ये मेरी किचन है, अब हम किचन में आ गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। गाइस, माय नेम इज कविता गोयल एंड यू आर वाचिंग केजीज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपको सबको पता है कि लेडीज बहुत अच्छी कुक होती हैं, तो मैं भी एक बहुत अच्छी कुक हूँ, तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शाही पनीर। तो शाही पनीर कैसा बनता है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मेरी किचन में और मैं दिखाती हूँ शाही पनीर कैसा बनता है। ये मेरी किचन है, अब हम किचन में आ गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। तो गाइस, शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टोमेटोस, अनियन। तो सबसे पहले हम इन्हें कट कर लेते हैं 4 पीसेस में। मैंने लिए अबाउट 9 टोमेटोस लिए हैं एंड 9 लिए हैं अनियन। तो अब हम इन्हें कट कर लेते हैं 4 पीसेस में एंड देन इन्हें हम थोड़े सॉटे करते हैं। गाइस, अभी मैं उनको रख के चॉप कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, टू टेबल स्पून, और ये हम डाल देंगे इसके अंदर टोमेटोस एंड ये डाल दिए हमने अनियंस। इन्हें हमें थोड़ी देर के लिए सौते करने हैं। सौते करने के बाद बताते हैं क्या करना है इसके बाद। तो गाइस, अब हम देखते हैं काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको थोड़ा देर और रखते हैं, 1-2 मिनट और रखते इसको। अब हम इसको कवर कर देते हैं लिड को, इसको थोड़ी देर और रखते हैं, देन इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। उसके बाद बताते हैं क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि तैयार है या नहीं है। ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, अब हम ये रखेंगे ठंडा करने। तो गाइस, अब जैसे ही पक चुका है अब हम इसे करते हैं बंद और फिर इसको रखते हैं ठंडा करने के लिए। और ठंडा करने के लिए हमें फ्राई पैन चाहिए, इसको हम इसके अंदर रख देते थोड़ी देर। गाइस, जब तक हमारा अनियन और टोमेटोज ठंडे होते हैं तब तक हम अपना पनीर स्लाइस कर लेते हैं। क्यूब्स में काट लेते हैं, स्क्वायर में। जैसे ही प्यूरी तैयार होगी हमें चीज की, ये हमारे रेडी हो गए। और ये थोड़े से हम कैशू नट्स को भी थोड़ा चॉप कर लेते हैं, ये बाद में डेकोरेशन के काम आएंगे। हमारा थोड़ा काम ईजी हो जाएगा अगर हम पहले ही कर लेते हैं, तब तक ठंडे हो रहे हैं। अभी स्लाइस हो गए हैं और ये हमें चॉप कर लिए हैं। चॉप जब हमारे ठंडा होता है और उसके बाद हम उसको करते हैं ग्राइंड। स्लाइस कर लिया है क्यूब में और ये छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। तो चलो इसको करते हैं अब हम ग्राइंड। जैसा आपने देखा ये ठंडा हो गया है और अब हम इसको करते हैं मिक्सी में ग्राइंड। अब हमने इसके अंदर डाल दिया, अब इसको करते हैं ग्राइंड। प्यारी इसकी प्यूरी बनी है, कितना सुंदर कलर आया। तो ये हमारी प्यूरी तैयार, हम स्टार्ट करते हैं शाही पनीर बनाना। जो हमने प्यूरी तैयार किया था अब उस प्यूरी को डाल देते हैं। अब इस
इसके अंदर कोई भी ऑयल और कोई भी तेल की जरूरत नहीं है, हमें सतर्क मिल जाती है। अभी जैसा इसमें उबाल आने शुरू हो गए, वैसे हमारा पका हुआ तो पहले से था, हमारी प्यूरी पहले से पकी थी, बस इसको थोड़ी सी देर और पकानी है और इसके अंदर डालते हैं हम मसाले। इसमें डालेंगे नमक जो हम लेंगे आधा चम्मच, और हम लेंगे लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, अमचूर पाउडर। आप सोच रहे हो कि टमाटर है ऑलरेडी इसके अंदर, तो इसके बाद अमचूर पाउडर क्यों, लेकिन नहीं, ये मेरा अपना स्टाइल है, बहुत अच्छा लगता है अमचूर डाल करके इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर शाही पनीर मसाला हाफ चम्मच। अभी से आप मसाले को पकने देते हैं थोड़ी देर, और इसे हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। अब इसे देख लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी बीन्स, वन एंड हाफ टीस्पून, एक्चुअली मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को मीठी शाही पनीर पसंद है, कईयों को शाही पनीर मीठा पसंद नहीं होता तो उसमें चीनी ना डालें, लेकिन हमें तो बहुत पसंद है मीठा शाही पनीर, तो हम चीनी जरूर डालते हैं इसमें। अब इसके अंदर डालेंगे हम ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको बनाना बहुत इजी है, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे पनीर, अभी पनीर डाल देते हैं। सुंदर लग रहा है, प्यूरी मैंने ज्यादा रखी है क्योंकि मेरे बच्चे प्यूरी बहुत ज्यादा खाते हैं। इसमें अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, लोग कसूरी मेथी डालते हैं पकाते समय, बट मैं डालती हूँ, मुझे थोड़ा ग्रीनिश अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे कैश्यू डेकोरेशन करने के लिए, जो हम रखे होते पहले बचा करके। ये हमारा शाही, प्लीज आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाइए और प्यारा से अपने बच्चों को और अपने पति को अपने फैमिली को खिलाइए, और बहुत यकीन मान ये बहुत टेस्टी होता है। ये हमारी शाही पनीर बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है।